भी माताओं बहनों बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। देश की आजादी के बाद जिसका इंतजार देश की तमाम महिलाओं का था, उसके लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन में एक नई शुरुआत की है। जी हां, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने आज घोषणा की है कि देश आज नया इतिहास लिखेगा और 19 सितंबर की तारीख इतिहास की तारीखों में एक ऐसे दिवस के रूप में जानी जाएगी जब देश की महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा। यानी कि महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के जिसका इंतजार पिछले कई दशकों से देश को था, आज उसे पारित कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने संसद में बड़ी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देश में जो महिला आरक्षण विधेयक है उसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के रूप में जाना जाएगा और इस बिल को अब केंद्र सरकार संसद के पटल पर रखेगी, यानी कि लोकसभा में इसे रखा जाएगा और जब लोकसभा में यह बिल पारित होगा तब देश की महिलाओं को आरक्षण मिलना, यानी कि जो लोकसभा और देश की विधानसभाएं हैं उन तमाम जगहों पर जो अलग अलग चुनाव होते हैं उन चुनावों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में उनके आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि महिलाओं के लिए जो 33% कम से कम आरक्षण की बातें लंबे समय से की जा रही थी उसे अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत केंद्र सरकार आज पेश करेगी और उसके बाद जब इसे कानून का रूप दे दिया जाएगा तो अगले लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव में देश की महिलाओं के लिए अब 33% कम से कम जो आरक्षण की बातें थी उसे लागू कर लिया जाएगा। यानी कि आज देश एक नया इतिहास बनाने जा रहा है और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में एक बड़ी घोषणा की और जो नए संसद की आज शुरुआत हुई है उस नए संसद में एक नई शुरुआत करते हुए नई घोषणा महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है कि महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के जो लंबे अरसे से देश की तमाम महिलाओं को इंतजार था वह इंतजार आज खत्म हो रहा है और गणेश चतुर्थी के अवसर पर केंद्र सरकार एक नया श्री गणेश करते हुए देश की महिलाओं को सबसे बड़ा तोहफे के रूप में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लाकर के उन्हें एक बड़ा तोहफा दे रही है। संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं बहनों बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं बहनों बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं इस सदन में सभी साथियों से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं, आग्रह भी करता हूं और जब एक पावन शुरुआत हो रही है पावक विचार हमारे सामने आया है तो सर्वसम्मति से जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी।
और इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों से, दोनों सदन के सभी माननीय सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस नए सदन के प्रथम सत्र में मुझे आपने मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।